गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रितु चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को ये पता है, ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जो डेली सुबह 6 बजे होती है, लेकिन आज लेट हो गई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसलिए सुबह क्लास नहीं बन पाई, थोड़ा लेट मिलेगी लेकिन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में जनवरी महीने के लिए किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड देने की घोषणा की है? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। ऑप्शन ए है हमारा, KL राहुल, ऑप्शन बी है रोहित शर्मा, कीगन पीटरसन या कोरी एंडरसन। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताइए, तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन सी, यानी कीगन पीटरसन हमारा राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कि निम्न में से किस स्पेस एजेंसी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की टीम द्वारा विकसित इंस्पायर सेट वन नामक एक उपग्रह लॉन्च किया है? बताइए किसने किया है। ऑप्शन ए है हमारा नासा ने, इसरो ने, जक्सा ने या स्पेस एक्स ने। बताइए फटाफट से किसने किया है उपग्रह लॉन्च, नासा ने किया है, इसरो ने किया है, जक्सा ने किया है या स्पेस एक्स ने किया है। बताइए, तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन बी, यानी इसरो ने किया है इंस्पायर सेट वन नामक एक उपग्रह लॉन्च। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किसके द्वारा लिखित हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक नामक पुस्तक मई 2022 में प्रकाशित की जाएगी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाता है। ऑप्शन ए है जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी, चेतन भगत या बिल गेट्स। बताएंगे फटाफट से किसके द्वारा पुस्तक है ये लिखित, पुस्तक का नाम क्या है, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, क्या है पुस्तक का नाम, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक नामक पुस्तक है जो 2022 में मई में प्रकाशित की जाएगी। किसने लिखी है, जेफ बेजोस ने, मुकेश अंबानी ने, चेतन भगत ने या बिल गेट्स ने। बताइए, तो राइट आंसर हो जाता है बिल गेट्स, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाता है, बिल गेट्स इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रमाणीकरण के लिए QR कोड आधारित तंत्र लॉन्च किया है? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। ऑप्शन ए है हमारा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या जम्मू कश्मीर। किसने लॉन्च किया है, दिल्ली ने किया है, मुंबई ने किया है, कोलकाता ने किया है या जम्मू कश्मीर ने किया है? आपको कहाँ से क्वेश्चन का आंसर देना है कि मनोज सिन्हा कहाँ के राज्यपाल है, केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल है। बताइए, तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, यानी जम्मू कश्मीर। मनोज सिन्हा कहाँ के राज्यपाल है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल है, जिन्होंने क्या किया है, QR कोड आधारित तंत्र लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष इलकर आयसी को एयर इंडिया का CEO और MD नियुक्त किया है? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। ऑप्शन ए है किंगफिशर, एयर इंडिया, एयर एशिया या टर्किश एयरलाइंस। बताइए फटाफट से किस एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष इलकर आईसी को एयर इंडिया का CEO और MD नियुक्त किया गया है? बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाता है, किंगफिशर, एयर इंडिया, एयर एशिया या टर्किश एयरलाइंस। बताइए, तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, यानी टर्किश एयरलाइंस का CEO नियुक्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आ जाती है हमारी झटका सीरीज। झटका सीरीज में जितने भी क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए तो एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 प्रमुख राजनेता कौन थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को आरंभ किया था? बताइए फटाफट से 3 प्रमुख नेता कौन थे जिन्होंने
गुटनिरपेक्ष स्वाद को क्या किया था, आरंभ किया था। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, उन नेताओं के नाम क्या थे बताइए फटाफट से। कौन कौन से नेता थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल नासिर और मार्शल टीटो। इधर लिख देती हूँ मैं, जवाहरलाल नेहरू अब्दुल नासिर और मार्शल टीटो। इन्होंने क्या किया था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आरंभ किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कि सप्तवर्षीय युद्ध में कौन से दो देश शामिल थे, बताइए सप्तवर्षीय युद्ध में कौन से दो देश शामिल हुए थे। जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था उसमें कौन कौन से देश शामिल हुए थे, इंग्लैंड और फ्रांस। कौन कौन से हुए थे, इंग्लैंड व फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडी विद द लैप किसे कहा जाता है, लेडी विद द लैप किसे कहा जाता है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगल को। किसे कहा जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटरलू कहाँ स्थित है, बताइए वाटरलू कहाँ स्थित है, कहाँ है वाटरलू, ये है बेल्जियम में। कहाँ है, बेल्जियम में स्थित है वाटरलू, बेल्जियम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, यूनानी मिथक में अपोलो किसका देवता है, यूनानी मिथक में अपोलो किसका देवता है बताइए, तो किसका है, चिकित्सा का देवता है अपोलो, कहाँ पर, यूनानी मिथक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में है, बताइए सिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में है, तो ये है इराक में। कहाँ पर है, इराक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस जर्मन जनरल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था, बताइए फटाफट से, डेजर्ट फॉक्स किसका नाम रखा गया था, तो ये रखा गया था रोमेल का रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप किसका अंत हुआ, अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप किसका अंत हुआ था, तो किसका हुआ था, दास प्रथा का अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोध नीति का क्या अर्थ है, एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोध नीति का क्या अर्थ है, तो उसका अर्थ था यहूदी विरोधी नीति। क्या था, यहूदी विरोधी नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फासिस्टवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी, बताइए फासिस्टवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी, तो ये हुई थी इटली में। यहाँ पे लिख देती हूँ इसका आंसर, इटली में हुई थी। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे इसका या नोट डाउन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे इसके बाद इसी में। क्वेश्चन नंबर 11, ताशकंद शहर कहाँ स्थित है, बताइए ताशकंद शहर कहाँ स्थित है, बताएंगे फटाफट से, ताशकंद शहर कहाँ स्थित है बताइए, तो ताशकंद है हमारा कहाँ पर, उज्बेकिस्तान में स्थित है ताशकंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो किसने किया था, हो ची मिन्हा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो बताइए किसके द्वारा किया जाता है, यूएसए में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा,
तो प्रतिनिधि वो सामान्य वयस्क मताधिकार द्वारा, किसके द्वारा? सामान्य वयस्क मताधिकार द्वारा, मताधिकार द्वारा किया जाता है, यानी जनता की वोटिंग द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? बताइए किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। आप सभी को पता है हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संविदा सिद्धांत का समर्थन किया था? किसने किया था सामाजिक संविदा सिद्धांत का समर्थन? तो ये किया था होब्स, लोक और रूसो ने। किसने किया था? होब्स ने किया था, होब्स लोक ने किया था और रूसो ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक देश अब भी राजा द्वारा शासित है? बताइए, जो अब भी वहाँ पर राजा का राज चलता है, कौन सा ऐसा देश है? तो वो है सऊदी अरब। कौन सा है? सऊदी अरब। सऊदी अरब में अभी भी राजा का राज चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ था? बताइए, तो किसके पतन से हुआ था? ये हुआ था बस्तिल के पतन से। किसके? बस्तिल के पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है, किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को पूरी तरह से परास्त कर दिया था? बताइए, किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था? तो वो थी वांडीवास की लड़ाई। कौन सी थी? वांडीवास की लड़ाई थी, वांडीवास, वांडीवास के युद्ध में कर दिया था फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसिका द्वीप संबंधित है? कोसिका द्वीप किससे संबंधित है बताएंगे? तो ये है नेपोलियन बोनापार्ट से। किससे है? नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है कोसिका द्वीप, नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद कि हाल ही में किसने भारतीय रेलवे किशनगंज दिल्ली में अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? बताइए फटाफट से, हाल ही में किसने भारतीय, ये क्या है? स्थापना, ये है स्थापना, किशनगंज दिल्ली दिल्ली में अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी स्थापित इसे फिर से कर लेंगे, स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। चलिए नेक्स्ट, इसके जो ऑप्शन है वो है नीति आयोग, योजना आयोग, रेल मंत्रालय या खेल मंत्रालय। बताएंगे फटाफट से, योजना आयोग, नीति आयोग, खेल मंत्रालय या रेल मंत्रालय। बताएंगे राष्ट्रीय, इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन सी, यानी रेल मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, रेल मंत्रालय क्या किया है? हाल ही में भारतीय रेलवे ने किशनगंज दिल्ली में एक अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है, जो कि देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी होगी और देश में कुश्ती के खेल को बढ़ावा देने के लिए उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस होगी। देश में सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी होगी ये। ठीक है, सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कि निम्न में से कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? बताइए फटाफट से, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है इराक, ईरान, इजराइल या यूके। बताएंगे फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है इराक, ईरान, इजराइल या यूके। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन सी, यानी इजराइल बन गया है। इजराइल ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? बताइए फटाफट से, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस देश के प्रधानमंत्री ने की है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन या कनाडा। बताइए फटाफट से, किसने की है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन या कनाडा। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, यानी कनाडा ने की है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। ठीक है, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने
कोविड स्वास्थ्य नियमों के खिलाफ ट्रक वालों के विरोध प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए की है, और जबकि कनाडा में 50 सालों में पहली बार इमरजेंसी एक्ट यानी राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है। कितने सालों में? 50 सालों बाद, 50 सालों में, 50 साल में क्या हुआ है? राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आ जाती है हमारी रामबाण प्रश्नों की सीरीज, जिसमें हमारा क्वेश्चन है, छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ शुरू हुई थी? बताइए, छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ शुरू हुई थी? बताएंगे फटाफट से इसका आंसर क्या हो जाता है। बताइए, छाया मंत्रिमंडल की जो रीति थी वो कहाँ शुरू हुई थी? तो ये हुई थी हमारे ग्रेट ब्रिटेन में। कहाँ पे हुई थी? ग्रेट ब्रिटेन में शुरू हुई थी, ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन कब हुआ था? बताइए, सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1991 में। कब हुआ था? 1991 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1939 में, 1939 यानी 1939 में। नेक्स्ट है, वर्साय की संधि द्वारा किसका मान मर्दन किया गया? बताइए, वर्साय की संधि द्वारा किसका मान मर्दन किया गया? तो जर्मनी का किया गया था। किसका किया गया था? जर्मनी का किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में 1911 के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ था? चीन में 1911 के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ था? तो एक गणतंत्र की स्थापना की गई थी। क्या हुआ था? एक गणतंत्र की स्थापना की गई थी, गणतंत्र की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा का नाम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा का जो नाम है वो किससे संबंधित है? वो है फ्रांस की क्रांति से। किससे संबंधित है? फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? बताइए, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? तो ये बना था 1933 में, 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी घाटी में किस सभ्यता का विकास हुआ? बताइए, नील नदी घाटी में किस सभ्यता का विकास हुआ? तो ये हुआ था मिस्र की सभ्यता का। किसकी? मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पहला स्वचालित वाहन ऑटोमोबाइल बनाया था? बताइए, किसने पहला स्वचालित वाहन ऑटोमोबाइल बनाया था? तो किसने बनाया था? कार्ल बेज ने बनाया था। किसने बनाया था? कार्ल बेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कंपनी कौन सी है जिसमें ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया गया था? बताइए, वह कंपनी कौन सी है जिसमें ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया गया था? तो वह कंपनी है ग्रेडिंग। कौन सी है? ग्रेडिंग है उस कंपनी का नाम। फटाफट से नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, वीडियो टेप का आविष्कार किया गया था? वीडियो टेप का आविष्कार किया गया था। बताइए, वीडियो टेप का आविष्कार कब किया गया था? चलिए बताइए फटाफट से, वीडियो टेप का आविष्कार कब किया गया था? बताएंगे फटाफट से इसका आंसर, कि जो वीडियो टेप है उसका आविष्कार कब किया गया था। तो वीडियो टेप का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा किया गया था? किसने किया था वीडियो टेप का आविष्कार? ये किया था
चार्ल्स गिंसबर्ग ने, किसने किया था? चार्ल्स गिंसबर्ग, गिंसबर्ग ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉइस मेल का जो आविष्कार था वो किसने किया था? वॉइस मेल का आविष्कार किसने किया था, बताइए फटाफट से। तो वॉइस मेल का आविष्कार किया था गॉर्डन मैथ्यूज ने, किसने किया था? गॉर्डन मैथ्यूज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो टीके का अन्वेषण किसने किया था, यानी पोलियो टीके का आविष्कार किसने किया था? तो अल्बर्ट सेब्रिन ने किया था, किसने किया था, इधर ही लिख देती हूँ, अल्बर्ट सेब्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यामिति का जनक किसे माना जाता है? ज्यामिति का जनक किसे माना जाता है? फादर ऑफ ज्योमेट्री का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है यूक्लिड को, किसे माना जाता है? यूक्लिड को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलर फोन का पिता किसे कहा जाता है, बताइए सेलुलर फोन का पिता किसे कहा जाता है? तो मार्टिन कूपर को कहा जाता है, किसे कहा जाता है? मार्टिन कूपर को सेलुलर फोन का जनक कहा जाता है। शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया था? तो क्रिश्चियन बनार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक मीटर का आविष्कार किसने किया था, बताएंगे डाक मीटर का आविष्कार किसने किया था? तो डाक मीटर का आविष्कार किया था ऑर्थर पिटनी ने, किसने किया था? ऑर्थर पिटनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरियो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? एलन ब्लूमलीन ने किया था स्टोरियो का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था मेंडेलीव ने, किसने किया था, इधर लिख देती हूँ, मेंडेलीव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने ये साबित किया कि पेड़ों में प्राण होते हैं, बताइए किसने साबित किया था कि पेड़ों में प्राण होते हैं? तो उनका नाम है जगदीश चंद्र बसु, क्या है? जगदीश चंद्र बसु, इन्होंने साबित किया था कि पेड़ों में प्राण होते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जोसेफ थॉमसन ने की थी, आप सभी को पता है जोसेफ थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सैन्य तख्तापलट के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी सोंडोगो दामिबा को किस देश का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया, बताइए फटाफट से। ऑप्शन ए है फ्रांस, इराक, ईरान या बुर्किना फासो, बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या है, इराक, ईरान, फ्रांस या बुर्किना फासो, राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, यानी बुर्किना फासो, क्या हो जाता है? बुर्किना फासो हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर, बस इतने ही क्वेश्चन थे हमारे, 9 ही क्वेश्चन थे और कम से कम 40 से क्वेश्चन हमारे क्या थे, झटका और रामबाण सीरीज के अंतर्गत थे, तो लगभग
50 क्वेश्चन के लगभग हमारे इसमें कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। मात्र आधे घंटे की क्लास में आपको 50 क्वेश्चन मिल जाते हैं, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। अगर आप डेली ये जो सभी हम झटका सीरीज में और रामबाण सीरीज में जो क्वेश्चन लाते हैं वो जीएस के क्वेश्चन हैं, सभी सब्जेक्टों से, जीएस यानी जनरल स्टडीज, सभी सब्जेक्ट से हम क्वेश्चन उठाते हैं, कभी किसी दिन, कभी किसी दिन किसी सब्जेक्ट से, किसी दिन किसी सब्जेक्ट से। तो आपको अलग से जीएस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आधे घंटे की क्लास लेते हैं तो इसी में आपकी जीएस भी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, अपने परिवार को बड़ा करने का प्रयास कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल की क्लास में फिर नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।